हे गाइस वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। कैसे आप सब? ठीक है गाइस, हम बढ़िया गाइस। जैसे कि अभी तो मैं आ गया हूँ मदार बाबा के मज़ार पे। देखिए अभी तो उतना पहाड़ चढ़ के उसके बाद देखिए यहाँ पे मदार बाबा के मज़ार पे आ गया हूँ। इधर भी पहाड़ी है और पहाड़ है और उसके बाद यहाँ पर देखिए पहाड़ के इस बगल में मदार बाबा का मज़ार है। उसके बाद हम मेला में आ गए हैं और आने के बाद अब देखते हैं अब वहाँ पर। और चलिए आप लोग को अभी बाबा का मज़ार दिखलाते हैं, आप लोग देखिएगा। और यहाँ पे हर इस चीज़ का, जैसे कि आप लोग जब भी आएंगे रात में या दिन में, रात में आएंगे तो आप लोग को ये सब छोटे छोटे झोपड़ी मिलेंगे और रहने के लिए आप लोग यहीं पर रहेंगे। उसके बाद खाना वाना खाने की व्यवस्था है। उसके बाद आप चाहे होटल में खा सकते हैं, चाहे अपने बना के खा सकते हैं। जो आप लोग मुर्गा लाएंगे तो उसको फातियाँ करने के लिए तो आप लोग खाते होते हैं और यहीं पे आराम से रात भर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहीं पे सब व्यवस्था रहता है और हर इस चीज़ के बाकी पैसा लगता है इसमें। और आप लोग चलिए बाबा के मज़ार पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर काफ़ी कुछ, देखिए आप लोग भैया लोग वहाँ बना रहे हैं, दुकान पर खोले वहाँ पर बना रहे हैं और हर चीज़। और यहाँ पर भी अब चलते हैं बाबा के मज़ार के पास। हाँ इधर से जा सकते हैं बाबा मज़ार वहाँ पर, हाँ इस रास्ते भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं जिस रास्ते। और इधर से आपके लिए इधर ही सही रहेगा, आगे चल जाइएगा। तो जैसे कि अंकल जी पूछ रहे थे तो बाबा के मज़ार पर कहाँ जाए, तो नेपाली थे तो हम बता दिए। और उसके बाद चलिए ठीक है, अभी तो हम झील में आ गए, अब उसको ऊँचे पर चढ़ते हैं। और यही सब है, देखिए कितना ज़्यादा झोपड़ी हर चीज़ है, आप लोग देखिएगा और बहुत अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पे डंटा पानी हर चीज़, पैसा लगेगा बाकी हर चीज़ मिल जाएगा। और यहाँ पे ये मत समझिए पहाड़ के इस पटे आएंगे तो नहीं मिलेगा हर चीज़, यहाँ पे पानी मिलेगा रहने के लिए और उसके बाद आप रहेंगे तो पानी मिलेगा। यहाँ पे 10 रुपये मग्गा मिलता है हर एक चीज़। और यहीं पर आप अपना उर्जुर्ज बना सकते हैं, रह सकते हैं और हर एक तरह के यहाँ पे व्यवस्था रहता है। आप लोग कोई बात नहीं, देखिए जगह जगह से ये पानी जो कोई नल उल से नहीं जाता है, पानी जो झील से जाते हैं और झील में से और नीचे जाते हैं और झील में से निकालते हैं पानी। और यही सब है, आप लोग देखिए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हर एक चीज़, यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर दुकान वकान हर चीज़। ये कितना पब्लिक है यहाँ पे, भीड़ इतना बराबर रहेगा। आप लोग 10-15 दिन रहता मेला तो बराबर ये भीड़ आपको मिलेगा और हर चीज़ का। और हर एक इंद्र की तरफ से यहाँ पे फोर्स भी गिरा रहता है, हर एक चीज़ के लोग रहते हैं यहाँ पे। चादर भी देखिए वहीं पर चादर चढ़ा रहे हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे देखिए मिल रहा है। और भैया ढोला बजा रहे हैं और देखिए कितने इंजॉय की तरफ से, वो उनका भाई उनका दोस्त गांव के दोस्त मिले हैं सब, वही उमर भाई तो अपना इति कर रहे हैं और कितनी अच्छा लगा। तो देखिए भाई हमारा चैनल का नाम पूछ के चारों लोग गए हैं और उसके बाद क्या है, और जो हमको जानता है तो भाई इति करता है। देखिए वो लोग अपना उमर भाई के साथ कर रहे हैं और देखिए आई हम लोग कर रहे हैं, अभी तो आवाज़ इतना सही नहीं आ रहा है और वीडियो में हम लोग बने रही। देखिए हर एक चीज़ कितना अच्छा लग रहा है, अभी हाँ कुहरा भी उठाएंगे देखते हैं। और देखिए यहाँ पे एक पेड़, जो पेड़ होता है यहाँ पे पेड़ होता है तो मन्नत लिए जो बांध के जाते हैं और वही मन्नत जब पूरा हो जाता है तो उसे खोल लेते हैं। और कितनी यहाँ पे रास्ता है, देखिए कितने लोग हैं, आप लोग देखते रहिए हर चीज़ का। और हम देखिए चादर चढ़ रहा है, जैसे ये लोग रहते हैं यहीं पर रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे चादर चढ़ाने वाले जो यहाँ पे शहरी गा रहे हैं ये लोग, तो ये लोग यहीं पर रहते हैं। उसके बाद आप जिस तरह पैसा देंगे उसके बाद अनुसार से लोग अपना काम करते हैं और एक रहते हैं। और जैसे कि वो भैया हैं तो कह के गए हैं, वो नेपाल के रहने वाले हैं, अभी भी हिंदी बोल लेते हैं, तो कहें वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, फिर भी हम चोरी चोरी छुपे छुपे वीडियो बना रहे हैं। अब देखिए बाबा के मज़ार के अंदर का वीडियो नहीं बना सकते हैं ये लोग हैं तो ये लोग बोल सकते हैं, मिलिट्री लोग हैं तो इसीलिए। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर कोहरा उठा रहे हैं भैया, अभी तो सब देखा जाएगा हर एक चीज़। और यहाँ पर देखिए और अगर कोई हमसे कोई गलती होगा तो अगर वीडियो में कोई गलती हो गया हमें तो माफ़ कर दीजिए, जैसे कि हमको उतना जानकारी नहीं है, फिर भी हम जो हम आए हैं वीडियो शूट करने के लिए और बाबा के पास वहाँ पे जो दुआ हुआ मांगना होता है तो वो हम दुआ हुआ मांग सकते हैं। देखिए उमर भाई भी अपना हटा के रख लिए हैं, देखिए अब मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं,
जैसे कि आप किसी कैमरा वैमरा से नहीं कर सकते हैं और उसके बाद उतना और बाबा के मज़ार के अंदर नहीं कर सकते हैं। तो बोले हैं कोई भैया तो उनका भाई बात को हमसे सीनियर है तो उनका बात का पालन हमको करना है। देखिए अब चादर बाबा के पास चलाने जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। अगर आप दिन में आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है और हर एक चीज़ का एंजॉय लेंगे। और अभी तो अभी यहाँ पे देखिए लोग हैं और यहाँ पे हर एक चीज़ का यहाँ पे जो कुम्हारा उठाते हैं, देखिए यहाँ देखिए कुम्हारा उठा रहे हैं लोग, देखिए चाची उठा रही हैं, देखिए पैसा रख के ये भाई साहब उठा रहे हैं। बहुत अच्छा है यहाँ पे, देखिए कितना वहाँ पे चादर चढ़ने जा रहा है और देखिए वहाँ पे अब चलिए देखिए भाई अपना ये तो उठा रहे हैं हमारा। कि अभी तो हम जो वीडियो शूट कर रहे थे तो उस समय तो जो एक भैया आए थे तो वो कहे नहीं तो वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, तो इसलिए हमें तो बाबा के मज़ार के पास गए हैं तो वीडियो शूट नहीं किए हैं। और जो कुम्हारा उठाया तो भी जो हमारा वीडियो जब शूट हो रहा था तो उसी समय वो जो पुलिस वाले थे तो वो लोग मना कर दिया, कहे नहीं नहीं वीडियो ना मत बनाओ। तो हम नहीं बना रहे थे और किसी और से बनवा रहे थे, जो उमर भाई हैं उन्हीं से वीडियो बनवा रहे थे तो वो उनके मोबाइल में है देखते हैं। और जो इधर झील है तो इधर झील के तरफ उसके बाद वहीं पर से पानी लाते हैं, ले आकर उसके बाद जो यहाँ बेच रहे हैं तो वही दस रुपया मक्का बेचते हैं। उसके बाद चलिए ठीक है अभी तो इधर ही से अभी तो बाबा बाजार के पास हो गया हमारा जो था तो काम वो तो हम कर चुके हैं। चलिए ठीक है अभी तो अब चलते हैं, देखते हैं कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद खाने पीने के बाद हम निकलते हैं घर की तरफ। अभी तो हमारा टाइम कब बज गया अभी देखिए, अभी तो हमारा टाइम 4:35 हो रहा है। अब क्या करें तो 5 बजे से निकलेंगे तो उसके बाद 7-8 बजे रात तक हम लोग पहुँचेंगे। तो हम घर पर नहीं जाएंगे अभी तो जाएंगे झुलनीपुर, कल रहेंगे तो उसके बाद अगरबत्ती जलता नहीं है तो यहीं पे अगरबत्ती जलाते हैं यहीं पे। का हो का कर तो लो जान खाना खाने जा रहे हैं गाइस, देखिए अभी तो ये लोग अपना खाना खाने जा रहे हैं। क्या क्या लाए हैं भाई? चिप्स लाए हैं और लाने के बाद केला लाए हैं और उसके बाद अरे भाई मूँगफली लाए हैं। कितना तो ये नेपाल वाले हैं तो नेपाल से मूँगफली लाए हैं, देखिए कितना लाए हैं। दाना ले लो कि मूँगफली भुजवा डाला, मूँगफली भुजाए हैं और उसके बाद तो मूँगफली थाईलैंड धर के खाते हैं। अरे केला ये भी लाए हैं और हम भी केला और सेब पता नहीं क्या क्या रखे हैं। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान बहुत महंगा मिल रहा था तो इसीलिए हम अब सोचे हैं तो जो लाए हैं वही हम लोग खा लें। खाने के बाद उसमें पानी कितना है? अरे पानी तो ये है 2 लीटर 1.25 लीटर इसमें है, 1 लीटर 1 लीटर। चलिए ठीक है यही ना केला रखे हैं, यही ना हम निकाल के रखेंगे। हाँ चलिए ठीक है गाइस, जब हम लोग खा लेते हैं खाने के उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आप लोग। देखिए अब घर जा रहे हैं, अब 5 बजने वाला है तो घर जा रहे हैं और देखते हैं कब तक पहुँचेंगे। और रात हो जाएगा ना तो वीडियो नहीं शूट हो पाएगा भाई, तो इसके लिए सॉरी। जैसे कि हम लोग आए थे सुबह में तो दिन भर लग गया तो हम लोग 4 घंटा में चढ़े हैं
और यही बात है बाकी वीडियो हम लोग शुरू से लास्ट तक एक भी इतनी नहीं किए हैं, स्किप नहीं किए हैं, हर एक वीडियो का हर एक जगह का हम लोग शूट किए हैं। आप लोग देखिए और देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग देखते रहिए। चलिए ठीक है, जय हिंद, अस्सलाम दोस्तों।